जगदलपुर रेलवे में आज यहां बस्तर सांसद दीपक बैस के सत्याग्रह को भारी समर्थन मिल रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित शहर के कई लोगों ने इस सत्याग्रह का समर्थन दिया है। आपको बता दें कि यह जो सत्याग्रह है जगदलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर चल रहा है। बस्तर की बंद पड़ी रेलवे सेवा की बहाली और रेल सेवा के विस्तार के लिए दीपक बैस सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें कि दीपक बैस लगातार दिल्ली में भी इस बात को उठाते रहते हैं। बस्तर में रेल संबंधित मार्गों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए 9 मांगों को लेकर यह सत्याग्रह चल रहा है, जहां भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण मौजूद रहे। जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। निश्चित रूप से आज हम लोग बस्तर में रेल चाहिए जनता की सुविधा के लिए, इन मांगों को लेकर समलेश्वरी एक्सप्रेस जल्दी चलना चाहिए, किरंदुल से विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस सप्ते में 2 दिन चल रही है, इतने सप्ते भर चलना चाहिए। दिल्ली राजधारा जगदलपुर तक जो रेलवे लाइन काम चल रहा है बहुत धीमे गति से चल रहा है, वो जल्दी पूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा जगदलपुर टू दूर ये जो लगभग 2019 में बंद हुई थी ट्रेनों को चालू करना चाहिए। उसके अलावा छोटी बड़ी मांग को लेकर हम लोग एक दिवसीय सत्याग्रह धरना के माध्यम से आज रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्री मंत्रालय और केंद्र सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि बस्तर में भी भरपूर खनिज संपादन होने के बाद भी हमारे साथ सिर्फ शोषण हो रहा है, न हमारी यात्री ट्रेनें दी जा रही है, न अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इन मामलों को लेकर हम केंद्र सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं, रेल मंत्रालय के संज्ञान में ला रहे हैं कि आने वाला समय में हमारी बस्तर की जो भिन्न मांगे हैं रेवेलेंस रेलवे से संबंधित, इनको जितने जल्द हो सके वो पूरा करें, अन्यथा आज तो एक दिवसीय आंदोलन चल रहा है, आगे हम बड़ी आंदोलन की ओर हम जाने में पीछे नहीं हटे।